तो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शिमला में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है घूमने के लिए और टूरिस्ट एक्टिविटी करने के लिए, वेदर के हिसाब से और हर चीज़ के हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो अभी जून मंथ चल रहा है, तो ये मंथ सबसे बेस्ट रहेगा आपको शिमला एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इसमें मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि शिमला में हमारे प्लेन्स के मुकाबले इतनी गर्मी नहीं होती है और जो दिन होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, तो आप अच्छे से घूम पर सकते हो, हर जगह अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो, हर जगह वहाँ जाके उसको एक अच्छे तरीके से आप उसमें जान सकते हो उस जगह को जहाँ आप घूमने जाओ। तो आजकल का समय बहुत बेस्ट रहेगा। जो और समय होता है, जैसे इसके बाद जो समय आएगा वो बरसात का आएगा, और बरसात में आप जानते हो कि पहाड़ों में घूमना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक तो बारिश आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, ऊपर से ये पहाड़ों में लैंडस्लाइड का डर भी काफ़ी बना रहता है, रोड्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, कहीं रोड बंद भी हो जाते हैं। और आजकल का मौसम देखो तो कितना वेदर कितना अच्छा है, मौसम कितना साफ रहता है, और गर्मी इतनी यहाँ ज़्यादा नहीं होती है, दिन के समय में रहेगी वो भी नॉर्मल रहेगी। और जो समय फिर आगे आता है बर्फ़ का, उस टाइम पे क्या होता है कि आप घूम सकते हो लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत से लोगों को हैबिट नहीं होती है, आदत नहीं होती है हमारे यहाँ ठंड की, नीचे प्लेन्स में इतनी ठंड नहीं होती है। तो बर्फ़ के टाइम में और क्या होता है कि ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है, तो आपको अपने रूम्स में ही रहना पड़ता है, और जब आप रूम्स में ही एक दो दिन रहोगे तो जो बजट आपका दो दिन का था वो चार दिन में चला जाएगा, तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा अपना ट्रिप का। तो उस हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम आपका ये जून मंथ रहेगा शिमला अपने हिल्स में घूमने का, पहाड़ी उसमें, और बहुत ही आपको यहाँ आके मज़ा आएगा, क्योंकि इतनी अच्छी जगहें हैं और एक देवभूमि हिमाचल है, बहुत ही अच्छी सुंदर पहाड़ और एक नेचुरलिटी आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। और जो वेदर है ना वो बहुत ही कमाल का है, जब आप पहाड़ों में जाओगे तो जो जंगल्स है वहाँ पे आपको इतने अच्छा मौसम मिलेगा कि आपको लगेगा ना गर्मी है ना ठंड है, बिल्कुल कूल मौसम रहेगा। तो इस तरह से मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आप सबको बताता हूँ कि कौन सा बेस्ट टाइम है शिमला घूमने का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको इस तरह से रिलेटेड वीडियो और चाहते हो, आप शिमला को घूमने की कौन सी बेस्ट जगहें हैं, खाने पीने की कौन सी जगहें हैं, और भी शिमला में क्या एक्टिविटी होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको बहुत ही जल्दी वीडियो बना देंगे। और कमेंट कीजिएगा कि किस तरह की कंटेंट, किस तरह की वीडियो आपको चाहिए शिमला से रिलेटेड, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत शुक्रिया आप सब ने इतना समय कीमती अपना दिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो ओके जी, टेक केयर एंड बाय बाय।